आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ में। जमातुल मजाहिदीन संगठन से जुड़ा बांग्लादेश का आतंकी मुफक्किर उर्फ हमीदुल्ला एटीएस की कस्टडी रिमांड में है। सूत्रों के मुताबिक मुफक्किर यूपी में बड़े हमले की फिराक में था। सहारनपुर के देवबंद में अपना ठिकाना भी बनाया था। कस्टडी रिमांड के दौरान में एटीएस मुफक्किर को देवबंद लेकर जाएगी और साथ ही आपको बता दें कि मुफक्किर के मंसूबों को लेकर भी पूछताछ करेगी। आरोप के मुताबिक अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का स्लीपर सेल भी मुफक्किर से जुड़ा हुआ था। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए बड़े हमले की फिराक में था ये, हालांकि अब पुलिस की कस्टडी में है। सारा जानकारी के साथ में ऋषभमणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। ऋषभमणि, और क्या बड़े खुलासे हुए हैं पूछताछ में? देखिए, मुफक्किर को मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था और यूपी एटीएस को भी एक लीड मिली थी जिसके मुताबिक मुफक्किर सहारनपुर के देवबंद में कुछ समय रहा भी था। यहाँ पर कुछ लोगों के साथ मीटिंग थी, कुछ लोगों के साथ उसका उठना बैठना था, लिहाजा यूपी एटीएस ने भी मुफक्किर को अपनी कस्टडी रिमांड में लिया हुआ है। शनिवार से ही वो 7 दिन की कस्टडी रिमांड में है और जो शुरुआती पूछताछ हुई है, जो एटीएस के सोर्सेज है वो हमें बता रहे हैं कि इंडियन अलकायदा का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके स्लीपर सेल भी मुफक्किर के संपर्क में थे और ये लोग मिलके उत्तर प्रदेश में एक बड़े हमले को अंजाम देने की तैयारी में जुटे हुए थे। तो अब इसके यहाँ जो संपर्क थे, किनके साथ उसने मीटिंग्स की, उन मीटिंग्स में क्या बातें हुई, आगे की क्या प्लानिंग बनी थी, इनको फंडिंग कहाँ से मिल रही थी, ऐसे तमाम जानकारी एटीएस कस्टडी रिमांड के दौरान मुफक्किर से प्राप्त करने की कोशिश करेगा और इसी कस्टडी रिमांड के दौरान मुफक्किर को देवबंद भी ले जाया जाएगा ताकि उन जगहों की शिनाख्त की जा सके जहां पर ये बैठके करते थे, जहां पर ये आते जाते थे। तो बिल्कुल ऋषभमणि, कई सारे ऐसे सवाल जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। आप नजर बनाए रखिएगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया ऋषभमणि आपका। मथुरा में पुलिस ने चेन झपटमारी में लगे शातिर गिरोह को पकड़ा है। पिछले कई दिनों से ये बदमाश चेन झपटमारी कर रहे थे और पुलिस के बदमाशों के साथ में मुठभेड़ हो गई जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। इसके दूसरे साथी को भी पुलिस ने पकड़ लिया है और घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने किरावली आगरा के रहने वाले लुटेरे के पास से तमंचा, कारतूस, बाइक और साथ ही सोने की 2 चेन भी बरामद की है। तो देखिए, चेन स्निचिंग की वारदातों को ये अंजाम दिया करते थे। हालांकि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और मुठभेड़ में एक घायल भी हुआ था जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 15 मुकदमे हैं जिसमें डकैती का मुकदमा भी इसके विरुद्ध है और यहाँ पे इस जनपद में भी इसने चेन स्नैचिंग की घटनाएं की हैं। इसकी गिरफ्तारी से कुछ घटनाओं का यहाँ पे अनावरण होगा। इसमें अभी हाल ही में वृंदावन क्षेत्र में और गोविंद नगर में क्षेत्र में हुई चेन स्नैचिंग की घटनाओं का इसमें अनावरण हुआ है। ये अत्यंत ही शातिर अपराधी है और निश्चित तौर पे इसकी गिरफ्तारी से ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा।